हाय गाइस, वेलकम सीएमपी ऑनलाइन क्लासेस। हम आपको आज बताने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर एग्जाम की दृष्टि से, जो कि जैसे कि आप देख रहे हैं लैंग्वेज की दृष्टि से। यदि इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन आपको दिया रहे, आपको बोले बनाने इक्वेशन से निकालें एक्स से वाई के मान, तो आसान निकालना आप निकाल सकते हैं। लेकिन यदि बात करें हम, यदि लैंग्वेज पे रहे फिर इक्वेशन निकालना है उसके बाद सॉल्यूशन करना है, तो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो हम आपको बताने वाले हैं उसी पर आधारित। जैसे क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेता है तथा प्रतिकूल 4 किलोमीटर भी जाने में 2 घंटा लेता है। पहले आपको हम बता दें नाव की चाल और धारा की चाल, उसके बारे में कुछ पॉइंट, सॉल्यूशन की ओर फिर चलेंगे हम। पहले पॉइंट देते हैं नाव की चाल और धारा की चाल। यदि हम बात करें कि नाव और धारा, यदि जनरली देखा जाए कि नाव की चाल अधिक रहेगा या फिर धारा की चाल, तो आप कह सकते हैं कि नाव की चाल ही अधिक रहेगा। तभी तो संभव है कि धारा के विपरीत भी चले। जैसे क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है, समय कुछ भी लगे, अधिक या कम, आखिर प्रतिकूल चल तो रहा है। यदि प्रतिकूल चल रहा है तो नाव की जो चाल होगा धारा से अधिक होगा। यदि हम नाव की बात करें, नाव की चाल कुछ भी मान लेते हैं, मान लें यदि 10 है और धारा की चाल अपने मन से कुछ भी मान लें कम या फिर अधिक, यदि हम धारा की चाल 20 मान लें, क्या यह संभव है? जैसे कि आप देख रहे हैं, ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जब इक्वेशन आएगा तो फिर ध्यान से देखना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा किसमें किसको घटाएं, नौ में धारा को घटाएं या फिर धारा में नौ को घटाएं, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो यहाँ समझना जरूरी है। यदि हम नाव की चाल 10 मानेंगे और धारा की चाल 20 मानेंगे, तो धारा की जब दिशा में जाएंगे 20 के ये रफ्तार है, 10 के और ये रफ्तार दे देगा, यानी सापेक्ष चाल जो है क्या होगा, बढ़ेगा। ये रफ्तार से जा रहा है, इसी को और यदि हम रफ्तार दे दें और स्पीड हो जाएगा। यदि बात करें कि ये धारा जा रही है इधर से और नाव इसका इधर से यदि विरोध कर दे, तो धारा की यदि 20 रहेगा तो नाव कितना रहेगा, 10 रहेगा। यदि नाव 10 रहेगा क्या इसका विरोध कर पाएगा, विरोध नहीं कर पाएगा। यदि ये विरोध नहीं कर पाएगा, नाव कभी भी इसके विपरीत नहीं चल सकता है। जब ये विपरीत चल ही नहीं सकता है, क्या क्वेश्चन इस पर अवेलेबल होगा, नहीं हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रहे कि जब भी होगा तो नाव की चाल धारा की चाल से अधिक होगा, तभी इसके विपरीत संभव है। यदि हम इसी को बात करें कि इसको हम 20 मान लें और इसको हम 10 मान लें, धारा 10 के रफ्तार से जा रहा है और उसी के दिशाओं में यदि नाव 20 के रफ्तार और दे दे, 20 10 30 का रफ्तार हो जाएगा, लेकिन इधर से तो ये धारा जा रहा है 10 के रफ्तार से, इसका विरोध इधर से कर रहा है कितना से, 20 के रफ्तार से, कौन, नाव। नाव यदि 20 के रफ्तार से धारा के प्रतिकूल जाएगा, ये 10 तो रोकेगा नाव को, 10 को तो कम कर देगा, लेकिन 10 एक्स्ट्रा है भी इसके पास क्षमता, जो ये पावर जो मानो इसको आगे आ जाएगा 10 के रफ्तार से, क्योंकि 10 का ये विरोध कर पाएगा, धारा नाव के चाल को विरोध करेगा जितना इसकी क्षमता है, उसके बाद फिर नहीं कर पाएगा। यानी कि कह सकते हैं कभी भी हमेशा नाव की जो चाल रहेगा धारा की चाल से ज़्यादा ही रहेगा। तो क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब हम, सॉल्यूशन की ओर। जैसे देख रहे हैं एक नाव धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेता है तथा धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर जाने में भी 2 घंटा लेता है, तो दोनों की चाल ज्ञात करना है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। यहाँ देखो, यहाँ पे देख सकते हैं, हमको डायरेक्ट भी दे सकता है कि नाव की चाल ज्ञात करें या फिर धारा की, या शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। नाव की जो चाल निकालते हैं हम, वो जनरली जो है, ये एक्चुअल जो है, वो शांत जल में ही मानते हैं कि शांत जल में इसका क्या चाल है, उसके बाद पता चलता है कि धारा की ओर जाएगा तो एड होगा, धारा की ओर जाएगा तो धारा में, और इसके विरोध जाएगा तो माइनस कर देंगे। लेकिन वो जो होता है चाल, वो क्या होता है, शांत जल में वो कितना रफ्तार से चल सकता है। तो मान लेंगे हम, सॉल्यूशन को चलेंगे हम, जैसे जैसे दिया है, एक धारा दिया है, एक नाव दिया है, अलग अलग मान लेंगे। माना कि नाव की चाल मान लिए हम, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल, धारा की चाल कितना हो जाएगा, वाई किलोमीटर प्रति घंटा हम मान लिए, दोनों को हम अलग अलग मान लिए। अब बचा कि नौ में धारा को घटाएंगे या फिर धारा में नौ को घटाएंगे। यदि बात करें हम
अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा हम तो अब कर सकते हैं कि x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हम बात करें धारा की विपरीत, विपरीत या फिर प्रतिकूल में नाव की चाल, तो अब यहां जो है x में y घटाएंगे या फिर y में x घटाएंगे, ये देखने वाली बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाव की चाल x और धारा की चाल y है। जैसे कि आपको बता चुके हैं हम, अभी तुरंत बताएं आपको कि नाव की चाल हमेशा अधिक होता है किससे, धारा से। यदि नाव की चाल धारा से अधिक नहीं होगा तो उसके विपरीत संभव ही नहीं है कि उसके विपरीत जा सकेगा, और विपरीत जा रहा है और जाता भी है, हमेशा भी धारा से अधिक रहता है नाव की चाल। तो यहाँ वाई में एक्स घटाएंगे या फिर एक्स में वाई घटाएंगे, क्योंकि हम जान अधिक है नाव की चाल, तो नाव में घटेगा धारा, इसीलिए एक्स माइनस वाई। यदि आप यहाँ पे मिस्टेक करते हैं तो फिर जो सॉल्यूशन है वो प्रॉब्लम हो जाएगा कि किसमें किसको घटाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं धारा की दिशा में यानी कि धारा के प्रतिकूल x प्लस वाई होगा, और इसके अनुकूल जो होगा x माइनस वाई होगा, ना कि y माइनस x। अब बात करते हैं सब प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेता है, और आपको मालूम है कि चाल वाला फॉर्मूला होता है क्या होता है, दूरी बटे समय, और धारा की नाव की चाल भी जान रहे हैं, धारा की चाल भी जान रहे हैं, और उसके दिशा में भी जान रहे हैं और उसके विपरीत भी जान रहे हैं, और क्वेश्चन भी कह रहा है कि अनुकूल यानी कि दिशा में 20 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लेता है, तो 20 किलोमीटर में 2 घंटा लेता है ना, तो चाल क्या होगा इसका, धारा के अनुकूल 20/2 चाल हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि धारा के दिशा में जो चाल होगा इसका कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, धारा के अनुकूल होगा x प्लस वाई बराबर 20/2 चाल बराबर। ये क्या है मेरा, धारा की दिशा में नाव की चाल, चाल बराबर x प्लस वाई बराबर दूरी बटे समय 20/2 अनुकूलता यानी कि दिशा में था। इक्वेशन फर्स्ट यानी करेंगे तो टेन टाइम में कैंसिल हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10। सेम कंडीशन अपनाएंगे अलग आगे, हम क्या होगा आगे में, जैसे आप देख रहे हैं इसके प्रतिकूल भी दिया है, और प्रतिकूल भी हम जान रहे हैं कि धारा के विपरीत जो है इसकी चाल कितना, x माइनस वाई, x माइनस वाई जाएंगे हम, सेम चलेंगे, चाल बराबर x माइनस वाई बराबर प्रतिकूल दूरी बटे समय टू टाइम में कट रहा है, यानी कि x माइनस वाई बराबर 2। इक्वेशन सेकेंड, जैसे आपको हम पहले बता चुके हैं, यदि इक्वेशन की बात करें और आपको इक्वेशन दिया हो तो आप आसान से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि हम बात करें कि x प्लस वाई का मान 10 है और x माइनस वाई का मान 2 है, तो x और y का मान ज्ञात करें आप तुरंत निकाल दीजिएगा। यदि हम इसी को लैंग्वेज में दे दिए तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो फिर इसको कैसे हम सॉल्यूशन किए इस पर ध्यान देना है। यदि अब इक्वेशन का रूप ले लिया है तो अब आसान है, अब सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कितना x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर 2 है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कट रहा है, अब कर भी सकते हैं तो y y कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर 12 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो, क्योंकि साइन हम चेंज नहीं किए हैं, ऐड कर रहे हैं 2 से 6 टाइम में कट रहा है, x बराबर कितना हो गया 6। यदि हम एक का वैल्यू जान रहे हैं और इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू रख दें, y का मान भी कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट कह रहा है कि x प्लस वाई का जो मान है वो कितना है 10 है, x प्लस वाई का यदि मान 10 है और x का मान 6 है तो y का मान कितना होगा 4 होगा। यह समीकरण फर्स्ट में आप देख रहे हैं कि 6 प्लस यानी x प्लस वाई बराबर 10 है, तो y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4 हो जाएगा। अतः लास्ट में लिख देंगे हम, जो कि अच्छी रहे फुल मार्क्स के लिए भी माना जाता है, सही है कि अतः
नाव की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर दो को चलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दो कि हिमा घर आने के लिए 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है और कुछ ट्रेन से और कुछ बस से दूरी तय करती है। यदि वह उसे 4 घंटा समय लगता है जब 60 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी बस से तय करता है और कुल कितना है 300 है तो शेष निकाल लेंगे हम। फिर कहता है यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी बस से यानी कि जो शेष बचा 200 किलोमीटर बस से तय करती है उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। पहले जो लग रहा था जो भी समय 4 घंटा और 10 मिनट अधिक लगा यानी 4 घंटा 10 मिनट टाइम लगा। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी बस से तय करता है तो 4 घंटा लगता है और यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से और शेष दूरी बस से करता है उसे 10 मिनट अधिक लगता है। यह ध्यान देने योग्य है, सवाल से ही आप देख सकते हैं कि यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से तय करता है 60 किलोमीटर ट्रेन से तय किया कितना बचा 300 में 240 बचा 240 बस से करता है तो उसे 4 घंटा लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से करता है पहले तो कर कितना रहता है 60 किलोमीटर तो 4 घंटा लग रहा था, अब ट्रेन से 100 किलोमीटर करने लगा तो यहाँ पे जनरली देखा जाए यदि हम 100 किलोमीटर ट्रेन से चलेंगे तो समय क्या लगेगा कम लगना चाहिए लेकिन 10 मिनट और अधिक लगता है। तो यहाँ जैसे हम जनरली देखते हैं कि ट्रेन की चाल अधिक होती है और बस की चाल कम होती है, इस पर हमें नहीं जाना है कि ट्रेन अधिक होगा और बस कम होगा, इस पर कुछ भी नहीं जाना है। जो सवाल कह रहा है उस पर हम जाएंगे। हम सवाल में सीधा साफ साफ लग रहा है 60 किलोमीटर यदि हम ट्रेन से जाते हैं तो 4 घंटा लगता है, यदि हम 100 किलोमीटर ट्रेन से जाते हैं तो 10 मिनट और अधिक लगता है। इसका मतलब सीधा है कि ट्रेन की चाल कम होगा और बस की चाल अधिक होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं निकाल के क्या होता है। सॉल्यूशन की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर दो है, क्या क्या रहा है ट्रेन एवं बस की चाल ज्ञात करें। जो पूछ रहा हो उसको हम मान लेंगे। माना कि ट्रेन की चाल मान लेते हैं हम, माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, हम अलग अलग मान लिए। अब क्या कह रहा है, जैसे कि आप जानते हैं समय निकालना हो या समय दिया है, जब समय दिया है तो क्या होता है दूरी बटे चाल बराबर समय, और चाल भी हम मान लिए दूरी भी हम जानते हैं। कह रहा है 300 किलोमीटर की कुल दूरी है, कुल दूरी 300 किलोमीटर लिख देंगे हम। प्रश्न से आप चलेंगे, प्रश्न कह रहा है कुल दूरी 300 किलोमीटर। पहला कंडीशन में जाएंगे हम कि यदि वह 60 किलोमीटर ट्रेन से और शेष बस से, यदि वह ट्रेन से 60 चलता है यदि वह ट्रेन से 60 चलता है 60 किलोमीटर तो बस से कितना चलता है 240 किलोमीटर। हम दूरी जान लें, चाल जान लें, टोटल टाइम भी जान लें कि दोनों को मिला के 4 घंटा लगता है। तो प्रश्न से हम चलेंगे हम कि चाल बराबर या समय बराबर दूरी बटे चाल, यदि इसका जो क्या होगा टाइम होगा दूरी बटे चाल, इसका भी हो जाएगा दूरी बटे चाल, यानी कि यदि दूरी बटे चाल प्लस दूरी बटे चाल, दूरी कितना इसका 240 है ना, 240 क्लियर लिखते हैं हम। दूरी बटे चाल है यानी कि समय बराबर और दूरी बटे चाल, ये क्या है मेरा टोटल टाइम है, यानी कि दूरी बटे चाल और दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, इसका जो टोटल टाइम लग रहा है कितना लग रहा है 4 घंटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग मान लिए हम चाल, टोटल टाइम दिया यदि वह 60 से ट्रेन से और शेष बस से करती है तो 4 घंटा लगता है और चाल हम अलग अलग इसको मान लिए हैं जिस जो कि हमें फाइंड आउट करना है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बटे चाल, ये दोनों मेरा टाइम है, यदि हम टाइम को ऐड कर दें
कितना घंटा लगता है? 4 घंटा लगता है। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन कहता है, या हम लिख भी सकते हैं कि ट्रेन से कितना चला या बस से कितना चला, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि यदि वह 100 किलोमीटर ट्रेन से चला तो शेष दूरी कितना बचा? 200 किलोमीटर। फिर समय बराबर, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं कि 100 बटे एक्स प्लस 200 बटे वाई बराबर कितना लग रहा है? 10 मिनट अधिक लग रहा है, यानी पहले का जो टाइम था उससे 10 मिनट अधिक लग रहा है, यानी कि कह सकते हैं 4 घंटा 10 मिनट। यदि हम इधर रफ करें कि 4 घंटा प्लस 10 मिनट 10/60 कर दे कितना होगा, हो जाएगा घंटा में। यदि इसको कट कर दें 1 + 1/4 + 1/6 6 × 24 = 25/6 इतना होगा। या डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 4 पूर्णांक 10 मिनट अधिक लगता है ना, 10/60 कट कर दें 6 × 24 = 25/6 यानी रफ हम कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं कितना है 25/6 6 × 24 = 25/6 यहाँ जो ये टाइम लगा 4 घंटा 10 मिनट यानी कि 25/6 ये कैसे आया, हम आपको रफ करके बताएं। या यहाँ भी कर सकते हैं कि 4 घंटा प्लस 10 मिनट 10 में यदि हम 60 से भाग दे दें वो कितना निकला, आवर में निकला, 0 0 कैंसिल होगा यहाँ पे, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 25/6 ये कैसे आया ये भी हम दर्शा दिए। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड, यदि इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड हम जान गए तो फिर हल कर सकते हैं आसान से, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम था ये सवाल देख के ना भाग जाए कि बड़ा सवाल है क्या, कुछ भी नहीं है। यदि जो जो कह रहा है वो हम क्या किए कर दिए तो फिर हो गया। इक्वेशन यदि जान गए हम निकाल सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट कह रहा है कि 60/x + 240/y = 4 लिख देते हैं हम, 60/x + 240/y = 4 है। दूसरों में 100/x + 200/y = 25/6 है, किसी को भी हम कैंसिल कर सकते हैं यदि क्वेश्चन फर्स्ट या फिर क्वेश्चन सेकंड की बात करें हम तो आसान से कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 और 5 है। यदि हम इसमें 5 से गुना कर दें, इसमें हम 3 से गुना कर दें कितना होगा, 56 30 300 100 × 3 300 यानी कि हम x को यदि हम कैंसिल करें कितना हो जाएगा, 300/x + 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1200 5 × 20 15 × 2 = 12 बटे वाई बराबर 5 × 20 यदि हम 3 से करें तो 300/x + 600/y = 3 से यदि गुना करेंगे 25/6 है, 3 से 2 टाइम में कटेगा कितना बचेगा 25/2। यदि हम यहाँ पे साइन चेंज कर दे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, एक्स आपस में क्या होगा कैंसिल होगा, 1200/y में 600/y घटाएंगे, नीचे देख रहे हैं आपका समान है वाई है, ऊपर 1200 में 600 डायरेक्ट घटा सकते हैं कितना बचेगा 600/y = 20 में 25/2 घटाना है यानी कि 12.5 घटाना है, 20 में हमको घटा देना है 25/2। यदि हम बात करें 600/y = कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, 2 40 - 25 यानी कि 15/2। इसका जो वैल्यू आ रहा है वाई 600/y = 15/2। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन को मिटाने की कोशिश करेंगे आप, अब क्वेश्चन देख रहे हैं क्या क्वेश्चन को मिटा दें, अब स्क्रीनशॉट भी कर रख सकते हैं इसको, क्वेश्चन मिटाने की कोशिश कर रहे हैं हम क्योंकि इसके ज़रूरत है हमें, या फिर इसको भी हम मिटा सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड रहने देंगे हम, ये भी कर सकते हैं, या इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड हम लिख चुके हैं, ये मेरा फर्स्ट है ये मेरा सेकेंड है, और देख रहे हैं आपकी ट्रेन की चाल मेरा एक्स है और बस की चाल क्या है वाई है। यदि इसको मिटा दें तो जैसे कि आप देख रहे हैं कितना निकला, 600/y = 15/2 15 से को कैंसिल कर दे सकते हैं, 15 × 60 40 में कटेगा y = 40 × 2 80
यदि हम वाई का वैल्यू जान गए, इक्वेशन फर्स्ट हो या फिर इक्वेशन सेकेंड हो, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं और एक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि बात करें समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट कह रहा है कि 60 बटे एक्स प्लस 240 बटे वाई, 240 बटे वाई की वैल्यू है 80 बराबर 4 है। यदि हम 80 से कट करें, 80 जीरो जो खत्म होगा, तीन टर्म में यानी कट रहा है कि 60 बटे एक्स बराबर, अब यहाँ पे सॉल्यूशन है, इधर क्या है प्लस, इधर जाएगा तो माइनस, 60 बटे एक्स बराबर कितना होगा 1, एक्स बराबर 60, यानी कि एक्स बराबर 60 और वाई बराबर 80। जिससे पहले बता चुके थे कि ट्रेन की चाल एक्स है और बस की चाल वाई है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रेन की कम है और बस की अधिक है, तो जर्नली जो होता है जैसे हम देखते हैं वो सही नहीं है, जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है वो मेरा सही है। अतः लिख देंगे कि ट्रेन की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे हैं कि 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 कलमों एवं 5 पेंसिलों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक कलम एवं एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना। आसान है, देखने में भी आसान लग रहा है, तुरंत बन भी जाएगा, तो देखते हैं इसमें जो मुख्य है ये क्या है, लैंग्वेज पे है। यदि इक्वेशन दिया रहे तो फिर आप आसान से और बना सकते हैं, यदि इक्वेशन का रूप इसको दे दें हम तो और आसान हो जाएगा। मान लेंगे हम जैसे जैसे कर रहे सवाल वैसे वैसे कि ज्ञात क्या करना है, एक पेंसिल तथा एक कलम। मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य माना 100 रुपया, और सेम करेंगे एक कलम भी मान लेंगे अलग से, हम एक कलम का मूल्य भी मान लेंगे हम वाई रुपया, अलग अलग मान लिए जैसे आप ये कह रहा था क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 5 पेंसिल तक 7 कलमों का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य यदि एक्स रुपया है तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या होगा 5x, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो हम जान ले रहे हैं, तो क्या करेंगे हम गुना कर देंगे। और सेम कंडीशन है, 7 कलमों का मूल्य, सात एक कलम का मूल्य यदि वाई रुपया है तो 7 कलम का क्या होगा 7y होगा, और दोनों का जो एड कर दें कितना है 50 रुपया है। डायरेक्ट लिख सकते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल यदि एक्स है तो 5 पेंसिल 5x है, तथा एक कलम, एक कलम यदि वाई है तो 7 कलम 7y है, और ये क्या है मेरा मूल्य है ना, मूल्य को क्या किया हम ऐड कर दिए, और इसका जो ऐड करेंगे तो दाम कितना है 50 रुपया है, तो 50 कर दिए फर्स्ट। तथा ये पुनः क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य अलग अलग है, या 5 पेंसिल अब 7 पेंसिल है, फिर करेंगे 7 पेंसिल, यदि एक पेंसिल का मूल्य एक्स है तो 7 पेंसिल का मूल्य कितना है 7x है, प्लस किए हैं क्योंकि कुल है इतना जो 46 रुपया है, दोनों का एड है, 7 पेंसिल 7x और 5 कलम, यदि एक कलम y तो 5 कलम कितना होगा 5y, यदि हम दोनों को एड कर दें तो कुल दाम कितना निकल रहा है 46 रुपया। क्वेश्चन सेकेंड, अब यहाँ से आसान है, यदि क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकेंड हम जान गए तो आसान से निकाल सकते हैं हम, फर्स्ट एवं सेकेंड किसी को बराबर कर सकते हैं, y को या फिर x को। यदि हम x की वैल्यू बराबर करना चाहें तो 7 से गुना कर दो इसको 5 से, अल्टरनेट गुना करते हैं, ये जैसे आपको लगे इजी उसे कर सकते हैं आप। यदि गुना करें क्या होगा 35x प्लस 49y बराबर 350 हो जाएगा यहाँ पे। यदि हम 5 से गुना करें ये तो सेम होगा 35x प्लस 25y हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना होगा 56 30 23, यानी कि 230 हो रहा है ना, 230 क्या बराबर है क्या नहीं है, तो क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे हम, यदि प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, क्यों किया ऐसा, क्योंकि इसको हमें कैंसिल करना है, ये 35 आपस में कैंसिल हो गया, तो 49y में 25y यदि हम घटा दें कितना बच रहा है 25 दुना 50 होता है, जबकि एक कम है तो 24y।
यदि इसको हम घटा रहे हैं, 350 में 230 घट रहा है, तो कितना बचेगा? 120, 120। क्या 24 से 120 कट रहा है क्या? भाग देकर ट्राई मार लेंगे हम, यदि कट रहा है तो अच्छी बात है, देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं 12 गुणा 12, 12 दोनों 24, कट रहा है, कट रहा है, 24 पंच 120, पांच टाइम में कट रहा है, यानी कि वाई बराबर कितना निकला? 5। यदि वाई बराबर वैल्यू निकाल लिए, इक्वेशन फर्स्ट हो या फिर इक्वेशन सेकंड, किसी में भी इसका वैल्यू पुटिंग करके एक्स का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि बात करें इक्वेशन फर्स्ट से, या इक्वेशन फर्स्ट में वाई का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट कह रहा है कि 5x प्लस 7y, और y का वैल्यू जानते हैं कितना? 5 बराबर कितना है? 50 है, तो निकाल सकते हैं हम, कितना हो जाएगा? 35 बराबर 50, तो 5x बराबर 50 इधर प्लस है तो माइनस चला जाएगा। अब x यानी 5x बराबर कितना हो जाएगा? यदि हम माइनस कर दे तो 15, पाँच दिया 15x बराबर 3। अतः लिख सकते हैं एक पेंसिल का मूल्य x बराबर 3 रुपया एवं एक कलम का मूल्य y बराबर 5 रुपया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे हम। जैसे कि आप देख रहे हैं एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के जो है कोण, कोण दिया है, एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण ABC और D अंशों में दिया है, कितना है? 2x प्लस 4, फिर y प्लस 3, 2y प्लस 10 और 4x माइनस 5 हो, तो सबका एंगल निकालना है, A हो, B हो, C या फिर D, सभी का मान निकालना है। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज एक सर्कल के अंदर होता है, जैसे कि आप जानते हैं, यानी कि हम रफ कर सकते हैं इसको, चक्रीय चतुर्भुज कुछ इस प्रकार होंगे, किसी भी तरह हो सकता है, एक चक्र के लेकिन अंदर होगा, यानी कि एक सर्कल के अंदर होगा, कौन? चक्रीय चतुर्भुज यानी चक्र के अंदर हो सकता है, कहीं भी हम ऐसी ABCD करके हम निकाल सकते हैं। यदि हम इसको क्लियर बनाना चाहें, एक सर्कल के अंदर एक चतुर्भुज है, किसी भी रूप में है, किसी भी रूप में है, ABCD, सभी भुजा अलग अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्र के अंदर यानी सर्कल के अंदर है। यहां पे देख रहे हैं कि ABCD क्रमशः सजा दिए, और एक चक्रीय चतुर्भुज का जो नियम है, चक्रीय चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने के जो एंगल का योग होता है 180 होता है, आमने सामने का जो एंगल होगा उसका एड यदि करेंगे हम कितना होगा? 180 होगा। या कह सकते हैं, पहले सॉल्यूशन की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 की, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज ABCD से चक्रीय चतुर्भुज का कुछ नियम जो है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 होता है, और या तथा एंगल B प्लस एंगल D का जो वैल्यू होगा उसका भी 180 होगा, ये नियम ही है। किसी भी चक्रीय यानी कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के अंदर का जो यदि एंगल इस रूप में रहे, तो आमने सामने का यदि एंगल को ऐड करे तो 180 होगा, फिर 180 होगा, और सर्कल का कितना होता है? 360, तो यदि दोनों को ऐड करे कितना होगा? 360 हो जाएगा। यानी कि अब जैसे कह रहा है प्रश्न वैसे हम कर देंगे, प्रश्न में कुछ दिया है, प्रश्न से आप लिख भी सकते हैं कि दिया है एंगल ABCD, दिया है एंगल ए बराबर इतना, एंगल बी बराबर इतना, एंगल सी और इतना डी, बराबर से लिख भी सकते हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है ये लिख भी सकते हैं, लिखना भी आसान होगा, कि दिया है एंगल ए कितना दिया है, पहला जो है क्योंकि कर्मशः दिया है 2x प्लस 4, एंगल बी y प्लस 3, एंगल सी 2y प्लस 10, और एंगल डी कितना दे रखा है 4x माइनस 5, जो जो दिया उसे हम कर दिए। यदि बात करें हम प्रश्न से,
दे दिया है, कह रहा है यानी कि ये जो नियम है चक्रीय चतुर्भुज का, जो कुछ नियम है कि आमने सामने की एंगल का योग 180 होता है, ए और सी का मान एक 180 होगा। हम कर देंगे ए और सी, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180। और एंगल ए का वैल्यू दिया है कितना, 2x प्लस 4 ए है, प्लस ब्रैकेट भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एंगल सी का वैल्यू y प्लस 3 बराबर 180। अब 2x प्लस y है, प्लस कितना होगा 7 बराबर 180 है। इसको हम घटा देंगे, जैसे कि देख रहे थे ए और सी था ना, सी का वैल्यू कितना है 2y प्लस 10 है ना, ए और सी, ए कह रहा है कि 2x प्लस 4, सी कह रहा है कि 2y प्लस 10, एक में x है एक में y है जो कि हल संभव नहीं है। एंगल ए का दिया है 2x प्लस 4 प्लस एंगल सी का दिया है 2y प्लस 10 बराबर 180, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 14 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 180। फिर यदि बात करें 2x प्लस 2y बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 14, यदि हम घटा दे कितना बच रहा है 2x प्लस 2y बराबर, इसको हम घटा रहे हैं 10 में 4 घटा 6 7 1 6 166। यदि हम 2 कॉमन ले कट रहा है, यदि हम इसको 2 कॉमन ले कितना बच रहा है x प्लस y बराबर 166, यदि 2 से इसको कैंसिल कर देंगे कितना होगा 83 टाइम में, यानी कि x प्लस y बराबर 83। इक्वेशन फर्स्ट का रूप दे सकते हैं, समीकरण फर्स्ट। यदि सेम कंडीशन है यदि समीकरण सेकंड की बात करें तो, और समीकरण सेकंड में यह भी कह सकते हैं एंगल बी और एंगल डी का वैल्यू करता है आमने सामने की, एंगल बी और एंगल डी ये यदि दोनों को हम ऐड कर दें कितना होगा 180 होगा, जैसे कि हम ए और भी सी ऐड कर चुके थे, ए और सी को, अब बी और डी को कर रहे हैं हम। यदि बी और डी को करेंगे उसका वैल्यू कितना होगा 180 करेंगे हम, पुनः ये फिर तथा के लिख सकते हैं आप, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180। यदि एंगल बी का वैल्यू पुटिंग करें, एंगल डी का भी वैल्यू पुटिंग करें, एंगल बी कहता है वाई प्लस 3, वाई प्लस 3 कितना हुआ बी हुआ, प्लस एंगल डी, एंगल डी कहता है 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 बराबर 180, यानी कि 4x प्लस वाई कितना बचेगा माइनस 2 बचेगा। यदि हम सॉल्यूशन की बात करें कि 4x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 180, माइनस 2 बचेगा ना, ये 4x प्लस वाई इधर कितना बचेगा माइनस, उस पर जाएगा तो प्लस में 182। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकेंड से सॉल्यूशन कर देंगे हम। यदि एक्स वाई का मान निकल गया तो फिर ए बी सी और डी का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यदि बात करें हम इसको मिटाने की कोशिश करेंगे, हम क्वेश्चन को भी मिटा देते हैं, देख लीजिए चक्रीय चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, यानी कि ए बी सी और डी हम लिख चुके हैं वैल्यू ए बी सी डी का, फिर पुटी वैल्यू पुटिंग कर देंगे हम। इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से यदि बात करें हम समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट क्या कह रहा है, जैसे आप देख रहे हैं एक्स प्लस वाई का मान 83 है, एक्स प्लस वाई बराबर 83, और इसको अलग कर देते हैं हम, ये भी अलग है, और 4x माइनस 4x प्लस y बराबर 182 फर्स्ट और
सेकेंड। यदि बात करें हम x को कैंसिल करने की तो बराबर नहीं, लेकिन y क्या है? बराबर है, सिर्फ साइन चेंज करना है। साइन को यदि हम चेंज कर दिए, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, वाई वाई कैंसिल। यदि 4 में x घटाएंगे तो माइनस 3y x बचेगा। यहाँ पे 182 में 83 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 99, लेकिन माइनस में, माइनस से माइनस खत्म 3 से, 33 टाइम में x वाला कितना हुआ? 33। यदि x का वैल्यू हम जान गए तो y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। फर्स्ट क्या रहा है? कह रहा है x प्लस y का वैल्यू जो है 83 है और x का वैल्यू 33 है, तो x प्लस y का जो वैल्यू है वो कितना है? 83 है। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 83। y का जो वैल्यू निकलेगा वो है 83 माइनस 33, वाई बराबर 50। यदि x का मान 33 और y का मान कितना निकला? 50 निकला। यदि दोनों का वैल्यू हम जान गए, यदि x का वैल्यू कितना है? 33 है, 33 का वैल्यू यदि पुटिंग के दोनों का वैल्यू कितना है? 83 है, 83 है ना। यदि x का वैल्यू निकाल लिए और y का भी वैल्यू निकाल लिए तो सवाल तो मिटा चुके हैं। इससे पहले हम लिख चुके थे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हम लिख चुके हैं, तो यहां से अब हम निकाल सकते हैं एंगल ए बराबर, यानी कि अलग अलग एंगल निकालना है हमको। तो एंगल ए बराबर दिया है 2x प्लस 4, x का वैल्यू 33 प्लस 4, यानी कि 2 इंटू 33 प्लस 4, 33 दोनों 66 प्लस 4 कितना होगा? 70 डिग्री ए का वैल्यू। यदि हम एंगल बी की बात करें, एंगल बी कहता है y प्लस 3 और y का वैल्यू कितना है? 50 प्लस 3 बराबर 53। एंगल सी की यदि बात करें हम, एंगल सी क्या कहता है कि 2y प्लस 10, 2 इंटू वाई का वैल्यू जो कर 50 है प्लस 10 कितना हो जाएगा? 50 दोनों 100 प्लस 10 110। यदि एंगल डी की बात करें हम, एंगल डी कह रहा है 4x माइनस 5, 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 33 माइनस 5, 4x माइनस 5 कितना हो जाएगा? यानी आप रख भी कह सकते हैं 4 × 12 = 13, 132 में कितना घटाना है हमको? 5 घटाना है, तो 5 घटा के भी आप ट्राई कर सकते हैं, कितना बचेगा? 27 बचेगा क्या? 127 बच रहा है, 127 सब किस में होगा? डिग्री में होगा। यानी कि ए का वैल्यू 70 है, बी का 53 है, सी का 110 है और डी का 27 है। यानी कि ए और सी, बी और डी को यदि हम ऐड करें तो कितना बचेगा? 180 बनेगा, जो कि चक्रीय चतुर्भुज का नियम कहता है। तो थैंक यू गाइस, जैसे कि आप देख रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इक्वेशन पे था या फिर लैंग्वेज आधारित था, लैंग्वेज आधारित में भी अनेक टाइप के था, ए जो भिन्न हो या फिर आयत हो या फिर दूरी हो या अन्य कोई भी हो, हर टाइप के हम बता चुके हैं, चाहे एक क्वेश्चन बताए उससे या फिर हम दो क्वेश्चन बताए हो, टाइप बाय टाइप बता चुके हैं आपको। यदि कोई प्रॉब्लम हो इसके बाद भी तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आप कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो कि नंबर है 84 34 833 61, इस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू गाइस।